आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबीपी की जो है दो नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे जो है आईटीबीपी इंडो टिबिटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा जो है निकाल दिया गया है। और इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें दो तरह के पोस्ट है, एक है कॉन्स्टेबल, दूसरा जो पोस्ट है फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि भूटान और नेपाल के भी लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी टाइप के पोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं, नॉन गैजेटेड यहाँ पे पोस्ट आपको होने वाले हैं। इसका ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है कि कब से कब तक जो है ऑनलाइन अप्लाई करे जाएंगे और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स दोनों वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जानना है तो आप जो है defencejobportal.com की वेबसाइट पे आके जो है यहाँ के आपको लेटेस्ट न्यू अपडेट वाले सेक्शन में आईटीबीपी की जो दोनों वैकेंसी निकाली गई है कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे क्लिक करके जो है आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल पॉइनियर इंडियन टिबिटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल मेन सिटीजन। यानी केवल इस मतलब वैकेंसी में जो कॉन्स्टेबल वाली वैकेंसी है इसमें केवल जो है मेल ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इंडियन सिटीजन के लोग आवेदन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान सिटीजन के भी लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स टेम्पोरी बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि लाइकली टू बी परमानेंट, मतलब परमानेंट भी ये हो जाएगा। और इसका सैलरी देख सकते हैं, काफी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो यहाँ पे पोस्ट बोला गया है वो पोस्ट आप देख सकते हैं तीन है। पहला कॉन्स्टेबल कारपेंटर, दूसरा कॉन्स्टेबल मैसन, तीसरा कॉन्स्टेबल प्लम्बर। और इसमें आपको सबसे ज्यादा पोस्ट आपको कारपेंटर 56 है, मैसन के 31 है, प्लम्बर के 21 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर सीट ऑफ 108 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये अभी फिलहाल जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपको हाइट वगैरह के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं बताई गई है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन और एज लिमिट बोला गया है। इसमें बोला गया कि आपकी उम्र कम से कम 18, मैक्सिमम 23 वर्ष आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज में छूट मिलेगा किनको, तो एससी एसटी ओबीसी को और एक्स सर्विसमैन को। और यहाँ पे बोला गया कि एज लिमिट जो काउंट करे जाएंगे वो 17 सितंबर 2022 को काउंट करे जाएंगे। और इन्होंने जो है डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी सेट कर दिया है कि कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया 18 सितंबर 1999 से लेकर 17 सितंबर 2004 के बीच जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप केवल 10वीं पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और या तो आप मेसन में या कारपेंटर में या प्लम्बर में, मतलब तीनों में से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसमें आपको 1 साल का जो है आईटीआई ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता है वो आपके पास होनी चाहिए 1 साल का। अब यहाँ पे बोला गया कि आप जो इस वेबसाइट पे जो है एप्लीकेशन को पा सकते हैं और ये केवल जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई करे जाएंगे। इसका एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड होंगे जो आपको एग्जाम के लिए जाना होता है। फिलहाल इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको स्टार्टिंग में ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। हालांकि इसका जो है ऑनलाइन का डेट आ चुका है, ऑनलाइन जो आप करे जाएंगे 19 अगस्त से इसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इसका जो ऑनलाइन जो क्लोज हो जाएगा 17 सितंबर 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं डीएवीपी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब सबसे पहले आपका दौड़ हाइट ये मेजरमेंट किए जाएंगे। दौड़ होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसी के साथ इंक्लूड रहता है, फिर आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होता है, उसके बाद से डिटेल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये इसका फ्रेंड जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपके होने वाले हैं। अगली वैकेंसी हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। ये जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और ये भी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही दिखाया गया है, ऑन टेम्पोररी बेसिस, लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी पुलिस फोर्स। और इसका सैलरी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी अच्छा खासा सैलरी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। नर्स आप सबको पता है मेडिकल में जो भी लोग काम किए हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी यहाँ पे आपको निकल के आ रही है जिन्होंने मेडिकल में कोर्स कर रखा है। और यहाँ पे देखिए बोला क्या है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या बोला गया। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 18 है और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी 200 रुपए
इस आईटीबीपी में जितनी वैकेंसी आती है फ्रेंड्स, आपको 200 रुपये अप्लीकेशन फी देने होते हैं। SC ST को यहाँ पे अप्लीकेशन फी माफ होता है। यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे बोला गया है कि एज लिमिट इसमें 21 से 30 वर्ष रखा गया है। अपर एज में छूट मिलेगा SC ST OBC को और एक्स सर्विसमैन को और गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए बोला गया कि अगर आपने 12वीं क्लास क्वालिफाई किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो है GNM का कोर्स कर रखा है, हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी, यानी GNM का आपने कोर्स कर रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है रजिस्टर होने चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही बस इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। जिन्होंने भी GNM का कोर्स किया हुआ है उनके लिए बहुत ही बेस्ट वैकेंसी ये होने वाली है। डिजरेबल बोला गया कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ नर्स में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी ऑनलाइन का डेट आ चुका है और ये भी आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को अप्लाई करे जाएंगे। और आपको बोला गया कि इसके लिए भी आप ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि आपका सबसे पहले PET, PST और रिटन टेस्ट, फिर आपका जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, स्किल टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें भी आपको करे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दौड़ होगा, आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, फिर आपका रिटन टेस्ट और वेरिफिकेशन होता है। इसका जो 17 अगस्त 2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और 15 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी देख सकते हैं DAVP की जो ऑफिशियली साइट पे इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों वैकेंसी फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की है और यहाँ पे 17 अगस्त से जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा सब इंस्पेक्टर का। तो मैं उस दिन एक सेपरेट वीडियो अलग से ला दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है पॉइनियर वाली, वो भी 19 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 19 अगस्त को भी मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस वैकेंसी में बस इतना ही जानकारी बताई गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जो है डिफेंस जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आप लेटेस्ट न्यूज में जाके, लेटेस्ट न्यू अपडेट में आके जो है आप हर एक डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी को देख सकते हैं जो अभी फिलहाल चल रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या ऑफलाइन वैकेंसीज हो गई, स्टेट पुलिस वैकेंसीज हो गई। ये सारी वैकेंसीज आपको जो है इस इकलौते वेबसाइट पे, इकलौते पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओनली वन डिफेंस, इसका नाम ही defensejobportal.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।